हेलो एवरीवन, दिस इज प्रेम, दिस इज श्रेया। वेलकम बैक टू द चैनल बीएफएफ ब्लेंड। तो पिज्जा खाने के ना हमें काफी टाइम से क्रेविंग हो रही थी और हम लोग एक ऐसा आउटलेट ढूंढ रहे थे जहाँ पे कुछ डिफरेंट टाइप्स ऑफ पिज्जा मिले। लोग यूजुअली डोमिनोज, पिज्जा हट वगैरह ही जाते हैं, लेकिन पटना में एक काफी अच्छा एक जगह है जहाँ पर जो हम लोग को मिला है अभी, तो वो वहाँ पे हम लोग कुछ पिज्जा ट्राई करेंगे और वहाँ का आपको हम लोग उसका रिव्यू बताएंगे। सो बेसिकली हम आए हैं GO69 पिज़्ज़ा, जो हमारे ठीक पीछे देख सकते हो। एंड लोकेशन की बात करूँ तो ये RPS मोड से थोड़ा सा पहले है। एंड दूसरा रेफरेंस आपको ये देखने को मिल जाएगा कि बहुत बड़ा एक आई लव पटना का बोर्ड लगा है, सेल्फी पॉइंट बोल सकते हो आप उसको, तो उसके रेफरेंस से भी आप यहाँ आ सकते हो। एंड जो इनका मेन्यू है काफ़ी डाइवर्स है, एंड जो प्राइस हमने देखा यहाँ पे बहुत रिजनेबल लगा हमें। तो अभी हम पिज़्ज़ा यहाँ का चेक करेंगे एंड टेस्ट करके बताएंगे कि आपको कैसा है टेस्ट। तो स्टार्ट करते हैं आज का ब्लॉग इन 3, 2, 1। तो जैसा कि प्रेम ने बोला कि जो प्राइस है वो काफ़ी डाइवर्स है, बहुत रीजनेबल प्राइस है, मतलब जैसा होना चाहिए। तो अगर मैं प्राइस की बात करूँ तो यहाँ पे पिज़्ज़ा जो है वो वेज और नॉन वेज दोनों अवेलेबल है और साइज़ 3 अलग अलग है, पर्सनल एंड देन मीडियम एंड लार्ज, तो मतलब 2 जन के लिए। एंड जो मीडियम साइज़ आता है वो एंड जो लार्ज होता है वो 3 साइज़ है और तीनों का अलग अलग प्राइस है। स्टार्टिंग मैं बता दूँ जो नॉर्मल पर्सनल साइज़ है वो है 140 एंड देन 245 आपका मीडियम जाएगा और लार्ज 325। तो लार्ज के हिसाब से 325 रुपीज इज लाइक नॉर्मल, मतलब इतना तो किसी भी आउटलेट में आपको है। तो अभी हम लोग चलेंगे किचन के अंदर और देखेंगे इनका मेकिंग, पिज़्ज़ा का कैसे मेकिंग है जो भी हम लोग खाने वाले हैं वो, और फिर एंड ओनर से भी थोड़ी बहुत बातचीत करेंगे इस आउटलेट के बारे में, कुछ और चीज़ें जानेंगे। तो चलते हैं अभी किचन में एंड दिखाते हैं आपको कैसे पिज़्ज़ा यहाँ पे प्रिपेयर किया जाता है। सो चलते हैं अभी किचन के अंदर एंड देखते हैं क्या क्या चीज़ें यहाँ प्रिपेयर हो रही हैं एंड आपको दिखाएंगे कि किस तरीके से पिज़्ज़ा वगैरह यहाँ पर लोग प्रिपेयर करते हैं। एंड हमारे साथ यहाँ के जो आउटलेट के ओनर हैं उनसे थोड़ी बातचीत भी करते हैं। सर, व्हाट्स योर नेम? राकेश प्रशांत। फर्स्ट ऑफ ऑल सर, कांग्रेचुलेशन, काफ़ी एक अच्छा आउटलेट खोला है हम लोगों के लिए आपने, क्योंकि पिज़्ज़ा की बहुत कम वैराइटीज़ हैं, बहुत कम आउटलेट हैं जहाँ पर अच्छा पिज़्ज़ा मिलता है। तो आप ये बताओ मेरे को कि कितने वैराइटीज़ हैं आपके पास पिज़्ज़ा में? पिज़्ज़ा में ऑलमोस्ट मेरे पास 40 वैराइटीज़ होगा। 40। सबसे ज़्यादा जो लाइक स्पेशल बोल सकते हैं कौन सा वो पिज़्ज़ा है जो लोगों को ट्राई करना ही चाहिए? सारा स्पेशल है, सारा स्पेशल ही है, लोगों के टेस्ट के ऊपर है। किन्हीं को कम वेज पसंद है, वेजिटेबल्स कम पसंद है, किसी को चीज़ वाला ही सिर्फ पसंद है, तो मार्गरेटा ट्राई कर सकते हैं आप अगर चीज़ सिर्फ पसंद है तो, ठीक है। और बाकी एग्जॉटिक भी है हमारे यहाँ, स्पाइसी का भी अलग एक मेन्यू बना हुआ है, पनीर का अलग से एक मेन्यू बना हुआ है, तो उसमें भी आप सिलेक्शन अच्छा खासा है आपके पास। टाइमिंग्स क्या क्या है इस आउटलेट की, कितने बजे से कितने बजे तक खुलता है? 10 बजे सुबह से रात में 11 बजे तक अभी खुल रहा है। Okay. और रात, और ये चीज़ जैसे जैसे गर्मी बढ़ेगी तो एक्सटेंड भी होगा। हाँ। Okay. तो आज हम क्या क्या ट्राई करने वाले हैं आज आपके यहाँ, मतलब कौन कौन से पिज्ज़ा से आप चीज़ें ट्राई करने वाले हैं? हम क्लासिक ट्रीट पिज़्ज़ा जो है मीडियम साइज़ का वो बनवा के दिखाएंगे कैसे बनता है, ठीक है। और एक चिकन पैटी बर्गर आपको खिलाएंगे, ठीक है। यहाँ का स्पेशल चोकोलावा केक वो भी आपको खिलाएंगे। सुनिए मैंने चोकोलावा के बारे में। चोकोलावा आप खाओगे खुद ही बताओगे आप, ठीक है। चोकोलावा केक खिलाएंगे, ठीक है। आप देखिए इसका मेकिंग भी आप देख सकते हैं अभी बनाएगा। ये हमारा डो जो है फ्रेश रहता है, देखिए फ्रेश डो का बेस आप देख सकते हो यहाँ पे, फ्रेश डेली फ्रेश हमारे यहाँ डो बनता है। इवन बर्गर का मैं आपको दिखाता हूँ, बर्गर भी हमारे यहाँ डेली फ्रेश बेक होता है। देखिए अच्छा, आप लोग खुद बेक करते हो? हम लोग बेक करते हैं, हम लोग खुद बेक करके अभी रखा हुआ है, जो ऑर्डर आता है उसे हमारा, ये देख लीजिए, ये हमारे यहाँ ही बनता है बर्गर। तो जो बर्गर का जो ब्रेड का जो स्वाद रहेगा वो आप कहीं भी खा लो वो ये टेस्ट नहीं आएगा आपको, आप खा के बताओगे खुद ही बताओगे आप कैसा है। तो अभी देखते हैं पहले प्रिपरेशन कैसे बनता है पिज़्ज़ा बर्गर यहाँ पे एंड उसके बाद इसके जायके के बारे में आपसे डिस्कस करते हैं आगे। We'll be right back.
पास ऑप्शन भी है, आप अगर चाहें तो मतलब कस्टमाइज करा सकते हैं आपको, अगर जैसे मान लीजिए ऑनियन नहीं पसंद है इसमें, इसके जगह पे कैप्सिकम चाहिए तो वो भी आप डलवा सकते हैं। तो ये चीज़ काफ़ी अच्छी है कि आप अपने टेस्ट के हिसाब से चीज़ों को कस्टमाइज करा सकते हैं यहाँ पे। बिल्कुल, और बहुत सारे चीज आउटलेट्स में ही ऑप्शन नहीं मिलता, ऑप्शन नहीं मिलता, आप बोल नहीं सकते हो कि ये नहीं। नहीं, ये करवा सकते हैं आप, बिल्कुल करवा सकते हैं आप, पहले जिसमें ऑर्डर दे रहे हैं उसमें बता दीजिए। ऐसा भी हम लोग कर सकते हैं, आप अगर बताओ जैसे लार्ज पिज़्ज़ा है ना, उसमें ये भी ऑप्शन है कि हाफ पिज़्ज़ा आपको अगर कोई दूसरा टेस्ट का चाहिए, हाफ पिज़्ज़ा कोई दूसरा टेस्ट का चाहिए, वो भी कर देंगे। आप पहले ऑर्डर देने के टाइम पर बता दो, वो कर देंगे हम पार्टीशन वाइज करके। अच्छा अच्छा, ये काफ़ी एक न्यू और यूनिक कॉन्सेप्ट देखा मैंने यहाँ पे, क्योंकि जनरली ऐसा कुछ होता नहीं है। ये कर सकते हैं, ये अभी जैसे मैं चार लोगों के साथ आया, दो लोगों को ये चीज़ पसंद है, दो लोगों को ये चीज़ पसंद है, तो चारों खा सकते हैं पिज़्ज़ा में, इंजॉय कर सकते हैं। हम लोग का जो ऑर्डर है वो आ चुका है गो 69 पिज़्ज़ा का, और हम लोग पिज़्ज़ा ऑर्डर किए हैं पहले, और इसका नाम है क्लासिक ट्रीट, और देखने में काफ़ी ज़्यादा टेम्पटिंग लग रहा है। बारी है टेस्ट का, टेस्ट करके आपको बताएंगे कि इसका टेस्ट जो है वो कैसा है। और हम लोग रेगुलर साइज़ ऑर्डर किए हैं, मीडियम है, गेस ये मीडियम है। ओके, मीडियम साइज़ ऑर्डर किए हैं, तो अब इसको टेस्ट करते हैं, बताते हैं कैसा है इसका टेस्ट। तो स्लाइसेस लेते हैं इसके, और ये काफ़ी आसानी से निकल गया है, एंड काफ़ी मतलब अच्छा है, इसका क्रस्ट भी काफ़ी अच्छा लग रहा है ऐसा देखने में, बट टेस्ट करते हैं बताते हैं हम। पहले बाइट लेते हैं ना, काफ़ी अच्छा टेस्ट आया पिज़्ज़ा सॉस का जो इसके ऊपर लगा है, काफ़ी टैंगी सा टेस्ट होता है उसका, वो काफ़ी अच्छा एक टेस्ट दिया, एंड ऊपर से इन लोगों ने कुछ मसाले वगैरह ऐड कर रखे हैं, काफ़ी अच्छा टेस्ट आ रहा है, कुछ एक अलग मज़ा करा रहा है इस पिज़्ज़ा को। एंड जो टॉपिंग्स है काफ़ी क्रंची है, लाइक मशरूम अच्छा लग रहा है इसके साथ, ऑलिव्स तो पिज़्ज़ा की जानी होती है, इवनली बेक्ड है, और इसका जो बेस है वो इतना सॉफ्ट, और थोड़ा सा इसका क्रस्ट है वो भी काफ़ी क्रंची है, एंड अंदर से सॉफ्ट भी है, और इवन बेक हुआ है, टेस्ट वाइज तो एक बाइट में ही काफ़ी अच्छा लगा हमें। तो मैं आपको 100% रिकमेंड करूँगा यहाँ पे कि आप एक बार पिज़्ज़ा ट्राई करो, एंड क्लासिक ट्रीट ट्राई करना, क्योंकि जो इसका लेयर है ना अंदर से काफ़ी स्पॉन्जी सा सॉफ्ट सा है, एंड बाहर एक प्रॉपर क्रस्ट भी है जो क्रंच देता है, एंड जो टॉपिंग्स यूज़ की हैं वो एक नंबर है। पिज़्ज़ा सॉस के ऊपर इन लोगों ने जो मसाला सीक्रेट स्पाइस जो इन लोगों ने ऐड करा है उसका वो एक नंबर, बहुत अच्छा आ रहा है, वो अलग सा कुछ टेस्ट दे रहा है। एक और चीज़ की जो पिज़्ज़ा का जो क्रस्ट होता है ना उसके साइड में ना बहुत सा मोटा एक लेयर क्रस्ट बन जाता है, जो बहुत लोग छोड़ देते हैं, बहुत लोग सॉफ्ट सा नहीं होता बहुत, लेकिन इनका जो है वो क्रस्ट आप देख सकते हो बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट है, तो ये चीज़ बहुत अच्छी लगी मेरे को। एंड टेस्ट वाइज अगर मैं इसको रेट करूँ 10 out of 10, तो मैं इसको 9.5 रेट करूँगा, मेरे तरफ से भी 9.5, बहुत ही स्पॉन्जी सॉफ्ट सा इसका क्रस्ट, मतलब जो साइड का यूजुअली इन लोग छोड़ देते हैं वो काफ़ी अच्छा था, और ये हम लोग के साथ हमेशा होता है, किसी दूसरे आउटलेट में जाते हैं ना तो साइड का जो क्रस्ट होता है वो हम लोग से छूट जाता है, बिकॉज काफ़ी हार्ड हो जाता है, वो चुई टाइप हो जाता है वो, एक्चुअली ब्रेड सा लगता है, बट इसका अलग ही है मतलब। तो अभी इसको ख़त्म करते हैं, अपने पिज़्ज़ा को इन्जॉय करते हैं, एंड फिर जब अगला टेस्ट करेंगे हम, जो हमारा जो भी अगला आइटम आएगा तो फिर आपको दिखाएंगे, एंड उसका मेकिंग भी दिखाएंगे आपको कि कैसे बना है वो। एंड इसका मैं प्राइस बता देती हूँ एक बार, इसका प्राइस है 310, 310 रुपये इसका प्राइस है, एंड प्राइस के हिसाब से जो क्वांटिटी है वो भी काफ़ी अच्छा है, टेस्ट वाइज मुझे तो बहुत अच्छा लगा। आप लोग यहाँ पर एंड ये जो पिज़्ज़ा जितना साइज में बड़ा है आराम से 3 लोग खा सकते हैं इसको, हाँ तो उस हिसाब से बहुत रिजनेबल प्राइस है इसका, बहुत रिजनेबल है प्राइस है, आप यहाँ पे आके जरूर ट्राई करो इस पिज़्ज़ा को। एंड एक और चीज़, आप कस्टमाइज़ करवा सकते हो, जैसे कि अंदर ने जो यहाँ के ओनर थे वो बताएं कि आप कस्टमाइज़ करा सकते हो, बहुत लोग को बहुत वेजीज पसंद नहीं होती, यहाँ पे ऐसा नहीं है, आपको अगर अनियन नहीं पसंद तो कोई यहाँ पर जोर जबरदस्ती नहीं है, आप बोल दो अनियन नहीं चाहिए तो वो नहीं ऐड करेंगे। एंड ये आप इसमें लेयर भी कस्टमाइज़ करा सकते हो, लाइक हाफ पार्ट किसी और पिज़्ज़ा का क्रस्ट का, हाफ पार्ट किसी और पिज़्ज़ा के टॉपिंग का,
तो आप अपना ब्लेंड कर लो, जो भी आपको पसंद है कस्टमाइज कराओ, मस्त एंजॉय करो गो 69 में। किसी भी आउटलेट में ऐसे आधा तो बिल्कुल ही नहीं मिलता है, लेकिन अगर आप दो अलग अलग फ्लेवर ले रहे हो तो हाफ हाफ आपको अलग अलग भी मिलेगा, ये चीज़ काफ़ी यूनिक है इस आउटलेट का। तो अभी ख़त्म करते हैं इसको एंड नेक्स्ट आइटम जो भी आता है हम आपको दिखाते हैं। हम लोगों ने पिज़्ज़ा ट्राई किया जिसका टेस्ट काफ़ी अच्छा था, उसके बाद हम लोग यहाँ पे बर्गर ऑर्डर किए हैं जो कि नॉनवेज है, बिकॉज नॉनवेज का भी रिव्यू बताना ज़रूरी है एंड आज मुझे नहीं खाना है नॉनवेज, तो प्रेम टेस्ट करके बताएगा। एंड जो बर्गर हमने ऑर्डर किया है वो एक चिकन पैटी बर्गर है एंड उसके साथ साथ हमारे पास दो चोकोलावा केक है जो कि बहुत फेमस है यहाँ पे, बहुत लोगों ने तारीफ कर रखी है इस चोकोलावा केक की, तो इसको भी टेस्ट करेंगे अभी। एंड पहले मैं बर्गर ट्राई करता हूँ, देखता हूँ कैसा है उसका टेस्ट। एंड मैं देखा था इसको बनते हुए तो काफ़ी एक अच्छा फ्रेश वाला वाइब था यहाँ पे, जब बन रहा था तब लग रहा था कि हाँ कुछ ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। तो अभी टेस्ट करते हैं, बताते हैं कैसा है इसका टेस्ट। ये तो भाई लोडेड है बर्गर एकदम पूरा। सबसे अच्छा चीज़ जो है यहाँ पे आपको फ्रेश जो बर्गर होता है वो लोग खुद से बेक करते हैं। मेरे को नहीं पता कि आप लोग देख पा रहे होंगे, इसमें से जो पैटी है चिकन की उसमें से जूसेस निकल रहे हैं, अगर आप लोग देख पा रहे हो तो काफ़ी जूसी सा बर्गर है। अभी टेस्ट करते हैं, बताते हैं कैसा इसका टेस्ट। बर्गर बहुत ज़्यादा क्रीमी है क्योंकि जो एक चीज़ी लेयर डाला गया है इसमें उसकी वजह से काफ़ी स्मूथ जा रहा है ये बर्गर। एंड जो स्पेशली जो बन है, इन लोगों ने बताया था कि ये सारे लोग अपने बर्न्स को यहीं पे प्रिपेयर करते हैं, यहीं पे बेक करते हैं, तो ये बहुत अच्छी चीज़ है क्योंकि बहुत सारे आउटलेट्स में जहाँ बर्गर मिलता है वो किसी थर्ड पार्टी से लेते हैं तो बर्गर का बन फ्रेश नहीं होता, लेकिन ये बन जो है बहुत ज़्यादा फ्रेश है, तो इसके लिए इसको 10 out of 10 तो मिलना चाहिए। और जो टेस्ट है वो काफ़ी ज़्यादा अच्छा है, लाइक वो क्रीमी फील आ रहा है, जो मेयोज़ वगैरह यूज़ किए हैं, जो क्रीम है इसके अंदर, जो बर्गर का पैटी है वो काफ़ी अच्छा एक क्रश दे रहा है इसके अंदर, एंड जो क्रंचेज वेजेज़ की वजह से आ रहे हैं वो काफ़ी अच्छा कॉम्बिनेशन जा रहा है। तो बर्गर को मैं 10 out of 10 दूंगा, इसमें ये बर्गर जीत रहा है मेरे हिसाब से। तो अब इसको ख़त्म करता हूँ एंड उसके बाद हमारे साथ साथ दो और चीज़ें हैं चोकोलावा के जो वो यहाँ का फेमस है, हाँ, तो वो भी ट्राई तो करके बताते हैं। अभी इसको साइड में रखते हैं, इसको खाएंगे साइड में रखते हैं, पहले चोकोलावा ट्राई करते हैं क्योंकि वो ठंडा हो जाएगा तो फिर वो मज़ा नहीं आएगा, पता नहीं चलेगा। तो पहले इसको ट्राई करते हैं। अंदर बहुत ज़्यादा मेल्टेड चॉकलेट का एक लेयर दिख रहा होगा आपको, जो कि यूजुअली चोकोलावा में होता है, एंड उसी वजह से वो चोकोलावा है कि वो लावा वाला एक टेक्सचर देता है, काफ़ी एक बाहर एक थिन सा क्रस्ट था, अंदर लावा है चॉकलेट का। इसको टेस्ट करते हैं, बताते हैं कैसा उसका टेस्ट। गरम है क्या? गरम तो है एंड ऑब्वियसली चॉकलेट लावा गरम ही होता है, लेकिन जो टेस्ट है ना, लाइक आप बोल सकते हो एक नेक्स्ट लेवल टेस्ट दे रहा है चोकोलावा का, क्योंकि जो इनका क्रस्ट है ना, मैंने बहुत ज़्यादा देखा है ये कि जो ऊपर का जो क्रस्ट होता है बहुत थिक हो जाता है ठंडा होने के बाद, बहुत थिक हो जाता है और लावा बहुत कम रहता है, लेकिन इसमें ज़्यादातर चॉकलेट जो लावा फॉर्म में है वो दिख रहा होगा आपको ऐसे सी, तो इसमें वो लावा वाला ज़्यादा मज़ा है और क्रस्ट तो है ही है। तो डेजर्ट में आप कभी भी आओ, मोस्ट रिकमेंडेड थिंग आपको ये डेजर्ट में ट्राई करना ही करना है। मैं इसको 10 नहीं 11 out of 10 दूंगा,
ये जरूर ट्राई करो। तो बाकी अभी इसको खत्म करते हैं। हाँ, एंजेला कुछ कह रही है अभी। जितने भी आपके जो भी हम लोग टेस्ट किए, वैसे तीन ही चीज़ टेस्ट किए हैं, तो जो भी चीज़ की टेस्ट किए हैं उसका सारा जो प्राइस है वो सारा आपको स्क्रीन पे फ्लैश हो रहा होगा। और जितना भी मेन्यू हो सके हम लोग सारा चीज़ का जो डिशेस है सबका हम लोग नीचे मेंशन कर देंगे, या फिर मेन्यू का एक पिक्चर लगा देंगे कि आपको एक आइडिया मिल जाए कि प्राइस रेंजेस कैसे हैं यहाँ पर। सो हमने यहाँ पर तीन चीज़ें ट्राई करी हैं, तीनों के तीनों की जो क्वालिटी थी बहुत ज़्यादा अच्छी थी। और सबसे अच्छी चीज़ जो यहाँ पर लगी मेरे को कि ये लोग खुद से अपना बन बेक करते हैं। यूजुअली बहुत ज़्यादा आउटलेट्स में क्या होता है कि वो लोग किसी थर्ड पार्टी से खरीदते हैं तो उसकी वजह से फ्रेशनेस नहीं आता, लेकिन ये चीज़ मेरे को काफ़ी अच्छी लगी एंड जो टेस्ट था वो बहुत ज़्यादा अच्छा था। एंड यहाँ पर कुछ ऑफर्स चल रहे हैं जिसके बारे में बताता हूँ आपको। अगर आप एक स्टूडेंट हो एंड आपके पास स्टूडेंट आईडी कार्ड है तो आप किसी भी दिन यहाँ पे आके 20% ऑफ ले सकते हो, लेकिन वो ऑफ़र सिर्फ मीडियम और लार्ज पिज़्ज़ा पे अवेलेबल है। एंड मंडे और फ्राइडे को अगर आप कोई भी इलीट पिज़्ज़ा लेते हो तो आपको बाय वन गेट वन का ऑप्शन मिल जाता है। ये तो आपको ये आउटलेट दे रहा है। तीसरा ऑफर जो हमारी तरफ से है वो ये है कि अगर आप यहाँ पे आते हो हमारे रेफरेंस के थ्रू, हमारे सब्सक्राइबर हो अगर आप यहाँ पे आते हो तो आपको 20% ऑफ मिल सकता है। लेकिन उसके लिए एक और क्राइटेरिया है कि आपको Go69 पिज़्ज़ा का जो इंस्टाग्राम पेज है वो आपको पहले फॉलो करना पड़ेगा एंड फिर यहाँ पे आपको दिखाना पड़ेगा। हाँ, और जो इसका जो Go69 पिज़्ज़ा का जो इंस्टाग्राम आईडी है उसका जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो सबसे पहले अगर आपको अवेल करना है ऑफर तो जाकर उस पेज को फॉलो करिए, हमारा चैनल को सब्सक्राइब करिए। और अगर आप यहाँ पर आसपास पटना के हो तो आप ज़रूर से आइए यहाँ पर, और यहाँ का एक बार अगर आप पिज़्ज़ा खाएंगे तो डिसअपॉइंट नहीं होंगे, आपको सच में बहुत अच्छा लगेगा यहाँ का पिज़्ज़ा। सो डू कम हियर एंड लेट अस नो कैसा लगा आपको यहाँ का एक्सपीरियंस। हमें तो बहुत मज़ा आया, जबकि हम लोग बहुत सारा चीज़ ऑर्डर नहीं किए थे, बहुत लिमिटेड चीज़ हम लोग खाएँ, लेकिन बहुत अच्छा लगा हम लोग को। एंड द बेस्ट पार्ट वॉज चौको लवा के, वो बहुत ही अच्छा था, वो ज़रूर यहाँ पे आकर ट्राई करना है आपको पिज़्ज़ा एंड वो, तो आप ज़रूर से आकर ट्राई करो। एंड अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय।